बहुत बहुत स्वागत है आप सबके लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि JKSSB कल से कंप्यूटर बेस्ड टाइप टेस्ट, स्किल टेस्ट जम्मू बेस्ड कैंडिडेट एज वेल एज कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट के कंडक्ट करवाने जा रहा है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, कैडरेस क्लर्क, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, अटेंडेंट एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, चाहे यूटी कैडर की बात कर लें, डिवीजन कैडर की बात कर लें, चाहे डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात कर लें, वेरियस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन की बात करें 04, 05, 06 एंड 07 ऑफ 2020, 01, 02 एंड 03 ऑफ 2021 रिगार्डिंग। अब इसके रिगार्डिंग JKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक लाइव कर दिया है, आप अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जहां पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में अभी क्वायरीज चल रही हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां JKSSB ने इसी नोटिफिकेशन में इस बात की क्लैरिफिकेशन दी थी कि आपके जो एग्जामिनेशन, जो CBT एग्जामिनेशन JKSSB कंडक्ट करवाएगा, वो काफ़ी लंबे चलने वाले हैं, लगभग 3 महीने तक आपके ये चलने वाले हैं। और जहाँ पर जो शेड्यूल निकाला है, जिनका कल CBT एग्जामिनेशन जो टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जितने भी, चाहे वो जम्मू बेस्ड कैंडिडेट है, चाहे वो कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट है, जिनका नेम ए अल्फाबेट से है, कल उन्हीं का है। आप जहाँ से शेड्यूल चेकआउट भी कर सकते हैं, मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, जितने भी कैंडिडेट जो कि जम्मू बेस्ड कैंडिडेट है, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है, NIELIT DWAC। तो आपका जो भी सेंटर है वो वहीं पे बना हुआ है सभी बच्चों का। तो आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो 8:30 जो फर्स्ट शिफ्ट है आपको रिपोर्ट करना होगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो सभी इनएक्शन ए से स्टार्ट होते हैं। अगर हम कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट की बात करें तो आपका जो भी सेंटर बनेगा एग्जामिनेशन सेंटर, NIELIT जो कि फॉर्मली DWAC सेंटर है, एयरपोर्ट रोड रंगरथ बड़गाम में है। अब हम देखेंगे कि आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड, आपने अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउज़र को ओपन करके उसकी सर्च बार में आपने टाइप कर देना है JKSSB। जैसे आप टाइप करेंगे, जो पहला ही लिंक आपके सामने आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके ब्राउज़र में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने एडवांस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी उसके नीचे एक और एक मैसेज आ जाएगा, प्रोसीड टू JKSSB अनसेफ, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका हमारे सामने जो है नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है। तो जहाँ पे आपने सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने पर सबसे पहला ही लिंक आपको जहां पे मिल जाएगा, तो जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं एडमिट कार्ड / हॉल टिकट ऑफ टाइप टेस्ट स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कैडरेस क्लर्क कैशियर असिस्टेंट कंप्यूटर कम जूनियर असिस्टेंट। तो आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो चुकी है। तो सिंपली आपको जहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ पे आपको दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो आपकी एप्लीकेशन ID, दूसरे नंबर पर डेट ऑफ बर्थ। तो जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन ID जहाँ पे एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा, जहाँ से कैलेंडर से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद सिंपली आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी PDF को अपने फोन में सेव कर लेना है, और आप कहीं से भी उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपका जहां पे एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुआ है और आपका जो शेड्यूल में कल की डेट में आपका एग्जाम है, फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी की बात है। अदरवाइज अगर आपका शेड्यूल जो है वो उसके बाद है, 20 के बाद 25 है, 26 है, इस तरह से नवंबर में जाके है, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। JKSSB धीरे धीरे करके अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके एडमिट कार्ड को अपलोड कर रहा है। फिलहाल जिन भी कैंडिडेट का कल की डेट में CBT एग्जामिनेशन है, अगर उनके एडमिट कार्ड जहाँ पे अपलोड नहीं हुए हैं, तो आप JKSSB को कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर, एडमिट कार्ड है उन्हें टाइम टू टाइम उनको अपडेट कर रहा है और हो जाएंगे। अब जितना भी शेड्यूल जहाँ पे JKSSB ने निकाला है, उनमें सिर्फ पहले ए अल्फाबेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन्हीं का जहाँ पे CBT एग्जामिनेशन जो कि फर्स्ट फेज में लिया जाएगा, तो आपने इस चीज़ को श्योर करना है। अगर आपका नाम BC से है तो आपने अभी चिंता नहीं करनी है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह की वीडियो के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी अपडेट के साथ।